आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। और साथ की बात में दो मुद्दों पर बात करेंगे जो कि आपसे जुड़ी है। इन दोनों मुद्दों ने आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने किस कदर कहर बरपाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। शहर से लेकर कस्बों तक, कस्बों से लेकर गांव तक हर ओर चीख पुकार मच गई थी। और इस दौरान सबसे बड़ी कमी जो देखने के लिए मिली थी वो थी ऑक्सीजन की। लोग अपने परिजनों को लेकर भटक रहे थे, तस्वीरें भयावह थी, देखकर पूरा देश रो रहा था। चारों तरफ चिताओं की आग में जैसे उम्मीद भी जलती हुई नजर आ रही थी। जैसे जैसे हालातों पर काबू पाया गया, लेकिन दूसरी लहर की टीस आज भी उनके जहन में है, जिन्होंने अपनों को खोया। खैर, आज बात इसलिए हो रही है दूसरी लहर पर, यह बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि बीते मंगलवार को राज्यसभा में कुछ ऐसे स्वर सुनने को मिले जिससे विपक्ष सरकार पर हमलावर तो है ही, साथ ही आम जनता के लिए भी ये बयान विपक्ष की नजरों में अभिशाप है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर केंद्र के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बयान को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। तो जहां विपक्ष लगातार कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कोरोना को लेकर संसद में व्यापक चर्चा की मांग की गई। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। तो लगातार इस पर चर्चा हो रही है और इसी संदर्भ में सरकार ने एक सवाल के जवाब में एक बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दे दिया। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने यह जरूर माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड काफी अधिक बढ़ी थी। तो दरअसल कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछ लिया कि क्या ये सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में कई मरीज सड़कों और अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के दौरान हुई मौतों के बारे में सूचित करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए थे, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो चलिए आपको सुना देते हैं कि आखिर ऐसा क्या बोला गया जिस पर बवाल होता हुआ नजर आया है। आपको सुनाए उससे पहले विपक्ष को लगातार मौका चाहिए था सरकार को घेरने का, तो हुआ ऐसा कि केंद्र सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप लग रहे हैं। शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले इस बयान को सुनकर अपने परिवारों का क्या होगा, सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये वो ट्वीट है, उसके बाद राज्यसभा में भी वो बोलते हुए नजर आए हैं। ये आप अपना क्यों छुपा रहे हो? कितने लोगों को, कितने लोग हमसे पिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकार से, सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताएं। देश में देखिए, महाराष्ट्र राज्य की बात छोड़ दीजिए, चेयरपर्सन हाँ चेयर जैसे आप उनको बताइए, उनको आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना आप डर है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन यही एकमात्र उपाय मात्रा नहीं है। बात अगर हम वैक्सीनेशन की करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र तो करेगा, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र मारे पूरे देश में आगे अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुंबई बॉर्डर को आप इस्तेमाल करिए, ये मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि मुंबई बॉर्डर को आप ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड सेंटर के बारे में जो कहा है आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप क्या मुझे बता रहे हैं महाराष्ट्र, आप आकर देखिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, आप आकर देखिए एक बार। तो सर, तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलता रहेगा,
लेकिन मास वैक्सीनेशन हमारे देश में अब तक कितने वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, 125 करोड़ का देश है, कितने परसेंट हम वैक्सीन अब तक कर चुके हैं। आज भी देखिए पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र के कुछ शहर बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। आज भी वैक्सीनेशन के ऊपर पर लोग दंगा कर रहे हैं बनाने के लिए। नहीं, और हमने 6 करोड़ वैक्सीन विदेश में भेज दी, हमने 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दिया है। इससे हमारी हेल्थ केयर की पूरी पोल खोली। तो संजय राउत की बौखलाहट तो आपने सुन ली, लेकिन सरकार इस पर कहां चुप रहने वाली थी? जो नेता है वो कहां चुप रहने वाले हैं? संजय राउत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य में होने वाली मौतों की संख्या बताएं। मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया, संजय राउत जी मैं शिवसेना और कांग्रेस की दोहरी बात से स्तब्ध हूं, कृपया केंद्र सरकार और मीडिया को भी ऑक्सीजन की कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य में होने वाली मौतों की संख्या बताएं। दिल्ली राज्य पर भी यही तर्क लागू होता है, तो महामारी का केंद्र लगातार बना रहा था। तो केंद्र सरकार पर महामारी के दौरान मौतों को लेकर सच छिपाने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सरकार के इस बयान को लेकर संसद में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। देखिए मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। हर चीज को छिपाना है, हर चीज को ढांकना है। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके आप देखिए ये लोग कौन हैं, क्या ये इनका कोई दिमागी संतुलन गड़बड़ था? ये अपने पति को बचाने के लिए ये महिला मुंह से ऑक्सीजन दे रही है और इस महिला का पति तड़प तड़प के मर गया, ये क्यों ऐसा कर रही थी? मोदी सरकार को बताना चाहिए। ये दो बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मां मर रही थी, तड़प रही थी, और ये दोनों बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही हैं। ये खबरें सारी झूठी हैं क्या? इटावा में ऑक्सीजन की कमी से मौत, ऑक्सीजन की कमी से कानपुर में मौत, ये देखिए अब्दुल हमीद के बेटे की मौत, इसके बाद आप ऑक्सीजन की कमी से 13 मौत, ये सारी खबरें क्या हैं? ये क्या दिखाती हैं? ये लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से 6 मौत, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभूतपूर्व तैयारी थी, उत्तर प्रदेश में जाके बोलते हैं वो। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई पूरे देश में, तो हाहाकार क्यों था? ये सारे टीवी चैनल्स में जो खबरें चल रही थी, जो हॉस्पिटल के बाहर लोग तड़प रहे थे, जो आगरा के अंदर अपनी मां को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देने के लिए पुलिस वाले के जूते पर अपना सर एक नौजवान रख देता है, ये सब कुछ झूठा था। क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने जिक्र किया था दिल्ली सरकार का, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता कहां चुप रहने वाले थे? अभी आपने संजय सिंह को सुन ही लिया है, उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं। उन्होंने अपने फोन में साफ तौर पर दिखा दिया है अपनी बाइट में कि ये आंकड़े लखनऊ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, जिनकी मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें आंकड़े देती हैं, हम कंपाइल करके उसे छिपाते हैं, केंद्र सरकार की इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं होती। इस जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। राज्य ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का जिक्र नहीं किया। मतलब ये साफ है कि विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्य पर डाल दी है। सवाल ये भी है कि राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को क्यों नहीं दिया? ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष के आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करके पलटवार कर दिया। इस मुद्दे पर पात्रा ने अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर दोहरा रवैया का आरोप लगाया। पात्रा कहते हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी हाईकोर्ट में कुछ और कहते हैं और टीवी सोशल मीडिया पर कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं। वही ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं होगा। संबित पात्रा ने सवाल पूछते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बताएं कि क्या आपकी सरकार ने केंद्र को जो आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, ऐसा लिखकर दिया क्या? संबित पात्रा ने कहा, केंद्र कह रहा है कि स्वास्थ्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का विषय है और हम केवल जो आंकड़े राज्य को भेजते हैं उसे इकट्ठा करते हैं। केंद्र कह रहा है कि हमने गाइडलाइन जारी किया है जिसके आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके। केंद्र कह रहा है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई हो इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, ये डाटा राज्य ने भेजा है। सुनिए विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दिया गया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पैंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द डेथ्स हैव बीन इश्यूड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अकॉर्डिंगली ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाउएवर, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पर ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इश्यू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वह अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 की मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। बंधुगण, ये पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमेटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया और उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. Rahul Gandhi ji bhi sarkar mein hai, Maharashtra mein, aur Sanjay Raut ji keh rahe the ki I am shocked. Chintita shocked hona chahiye. Ek bhi aadmi ki mrityu hoti hai to chintit honi chahiye, chinta honi chahiye. Magar jhoot ka sahara leke aap agar rajniti kare, then we are shocked कि आप ऐसे विषय पर राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाईकोर्ट। औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है। नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस रविंद्र घुगे एंड बी यू देबागवार सेड द कोविड-19 पेशेंट्स। आप बताइए, खुद दो जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में
महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। तो सरकार की सफाई आपने सुनी। देखिए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर देश में तेजी के साथ टीकाकरण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड मैनेजमेंट को लेकर राजनीति भी लगातार होती हुई नजर आ रही है। अब इस मुद्दे को लेकर जो कि फिलहाल गरमाया हुआ है, विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हिमाचल से आपने नए मेरे में ऑक्सीजन चोरी हो पूरा देश जानता है। इसे दूसरी लहर देश के अंदर आई और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और तमाम राज्यों की सरकार बंगाल के चुनाव में तो दूसरी लहर में दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश बिहार मध्यप्रदेश हरियाणा झारखंड तमाम राज्यों में ऑक्सीजन से लगातार होते हुए और कोविड खतरा तय करना यह ऑक्सीजन से लगते हुए सरासर झूठ है और यह बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठा है। हमारे देश की जनता के लिए ये बहुत ही दुख का विषय है और हमारे देश की सरकार के लिए ये शर्म का विषय होना चाहिए कि केंद्र सरकार आज हमारे देश की ये कह रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी वेव में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। सरकार शर्म करे कि जब लोग हमारे देश के तड़पते रहे सड़कों पर मर रहे थे तब आप नदारद थे, मगर उसके बाद भी आपको आज शर्म नहीं आती ये कहने में कि इस चीज का कोई आंकड़ा ही नहीं है आज के समय में कि हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी से। सरकार ये जवाब दे कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो आखिर क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आपको विदेशों से मदद लेने की आवश्यकता पड़ गई। सरकार ये बताए कि क्या उसको ये वो तस्वीरें याद नहीं है जब आगरा में एक महिला अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने को मजबूर हो गई। क्या वो दृश्य याद नहीं है सरकार को जब अस्पतालों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया इस बात का कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, कृपया अपने मरीजों को घर वापस ले जाएं। आज जब ये सरकार कहती है कि राज्यों ने आंकड़ा नहीं दिया ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों का तो यह महज अपने बचाव का तरीका दिखाई देता है, क्योंकि इस सरकार को अपने आप को बचाने के सिवा कुछ और नहीं आता, सच को स्वीकारना नहीं आता। केंद्र सरकार को आज खुद पर शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार को मोदी जी को चाहिए कि वो इस्तीफा दे अपने पद से और ये स्वीकारे जनता में आकर उनके फेलियर की वजह से इस देश में लोगों की जान गई है। कि जो केंद्र में आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो कहा कि केंद्र राज्यों ने आंकड़ा नहीं भेजा तो ये तो उसका विषय है कि राज्य जो एक बार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने नहीं भेजा तो हम भारतीय जनता पार्टी का दोष है, बाकी और जगह पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। और ऑक्सीजन से जो मौतें हुई हैं उसमें यह देखा गया है कि बहुत से जगहों पर बढ़ा चढ़ाकर चीजें पेश की गई। जब ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो वो दिल्ली में उसका नजारा आपको देखने को मिल गया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ और ऑडिट कमेटी बैठी तो उनका ऑक्सीजन लेवल खुद घट गया, अपने आप उनका ऑक्सीजन लेवल घट गया और उसके बाद उनके यहां ऑक्सीजन की कभी कमी की बात नहीं कही गई। ये सर्वविदित है, आप देखा, आप लोगों ने भी देखा और पूरी देश की जनता ने देखा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जहां भी उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो बंगाल हो पूरा देश ऑक्सीजन के लिए हमारे सारे औद्योगिक घराने सब एक हो गए थे और सारे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हम लोगों ने कन्वर्ट करके सबको देने का काम किया। हाँ, कुछ जगहों पर क्रायोजेनिक टैंकर नहीं उठे जिस वजह से थोड़ी सी सप्लाई में देरी हुई, लेकिन बहुत कमी कहीं नहीं रही। कुछ हुई है दुखद मौतें क्योंकि ये 100 साल बाद आने वाला महामारी लगातार 2 साल हिंदुस्तान ने झेला है, हिंदुस्तान के लोगों ने झेला है और दुखद मौतें हुई हैं,
इसमें कहा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ऑक्सीजन की कमी का रोना हम नहीं रो सकते कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। भरपूर समय आते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया और हर जगह उसको पहुंचाया, जिससे कि हम अपने मरीजों को बहुत भारी संख्या में जो और भी दुर्घटनाएं हो सकती थी उसको हमने समय रहते रोक लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सदन में जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोविड की दूसरी लहर में पहले के मुकाबले ऑक्सीजन की भारी मांग बढ़ी। जहां पहले लहर में ऑक्सीजन की डिमांड 3000 से ज्यादा मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर में बढ़कर 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। सरकार ने आगे यह भी बताया कि दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्य को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक को सबसे अधिक 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, जबकि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। तो वह दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में बुरा हाल रहा, लेकिन दिल्ली सरकार भी सरकार को कोसने में पीछे नहीं है। जी हां, ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर केंद्र के जवाब को गलत बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार जले पर नमक छिड़क रही है, कम से कम केंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों की मौत हुई है, सभी मीडिया में चल रहा था। जैन ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन से मौत के मामले में जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, इसे एलजी ने भंग कर दिया था। केंद्र ने इसे लेकर कुछ नहीं पूछा, यही कारण था कि एलजी साहब ने कमेटी भंग करवा दी। सुनिए क्या कुछ कहना है सत्येंद्र जैन का। सरकार ऐसे सरकार बता रही है ना, दिल्ली के अंदर जब एलजी साहब को कहा जाए एलजी साहब सरकार है, तब तो नहीं आप बोले सरकार को आती है। अरे भाई सरकार को आती है, सरकार ने इसलिए तो कमेटी बनाई कि एग्जैक्ट डाटा पता लगे। आप मुझसे नाम पूछेंगे, नाम बताओ जी। अभी मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ, इतने लोगों की डेथ हुई। आप हमको भी मानेंगे कि परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, जिसको केंद्र सरकार ने रुकवा दिया। मुआवजा पहुंचाने के लिए आप लोग जो काम हम कोशिश कर रहे थे मुआवजा देने की, उसको भी रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग सामने आएंगे और बताएंगे उनको मुआवजा मिलेगा तो पक्का प्रूफ हो जाएगा ना कि ऑप्शन की कमी से डेथ हुई है। उनको मैं बताया ये राजनीति बहुत गलत है। एक तो घरों में लोगों के परिवार के लोग की डेथ हुई, बहुत ही ट्रेजिक है। दिल्ली सरकार ने इसीलिए कमेटी बनाई थी कि सब लोग सामने आके बता दें कि जिसकी भी डेथ हुई है तो उसको हम चेक करके क्लियर कर देंगे, उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन दे देंगे। इसके अलावा जो कोरोना से डेथ भी हुई थी उसके लिए जो आप लोगों ने योजना चलाई है उसके लिए क्या कुछ डेटा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है? नहीं देखिए, हमारे पास 25,000 से जो अभी तक टोटल डेथ दिल्ली में हुई है 25,000 डेथ हो चुकी है। तो आपने सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि इस पैंडेमिक टाइम में ये राजनीति करने का विषय है? इसमें किसका क्या जाता है? क्या विपक्ष का कुछ जा रहा है या फिर सत्ता पक्ष का कुछ जा रहा है? कौन मर रहा है? आम जनता। तो सवाल आम जनता के लिए है कि आंखें खोलिए और देखकर वोट करिए। आगे बढ़ते हमारी दूसरी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल को दहला देने वाली है। गुजरात से खबर सामने आई है, गुजरात के पाटन जिले में नवजात शिशुओं को डब्बे में रखकर फेंकने का मामला सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला दरअसल सिद्धपुर के तावड़िया गांव का है, जहां गांव के करीब आए नाले में एक दो नहीं बल्कि 13 नवजात शिशु मिलते ही पुलिस काफिला मौके पर पहुंचा। फिलहाल ये संख्या 13 बताई जा रही है, लेकिन यहां पर संख्या और भी बढ़ सकती है। डिब्बे में पैक किए गए मृत नवजात शिशु किसी अस्पताल वालों ने फेंके होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन फिलहाल इस मामले में तफ्तीश में जुटा है। तो दूसरी ओर 13 नवजात शिशुओं के मिलने से इस पूरे मामले को सुनते ही लोगों में खासा नाराजगी है, रोष है, वहीं काफी गुस्सा भी नजर आ रहा है। भाई ठाकुर नाम के व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन फोन करके बताया कि तावड़िया से वादना जाते हुए रोड के साइड में जो पानी का बहाव जा रहा है तो खुली जगह पे ह्यूमन ऑर्गेन्स पड़े हुए ऐसे प्लास्टिक बैग में पड़े हुए ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उस हिसाब से पुलिस स्टेशन में घटना पर जाके देखा तो सही बात लगी। उस हिसाब से उन्होंने हेल्थ ऑफिसर्स को एफएसएल ऑफिसर्स को जगह पे बुलाया, पूरी जगह का सर्वे किया, उसके बाद ये पूरा जो बॉडी ऑर्गन्स वगैरह के दिखे हैं उसको एफएसएल में फर्दर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। आगे की कायदे से की कार्यवाही चालू है।
देखिए पुलिस ने तो यह बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और अभी श्रम मिले हैं, लेकिन इस राज पर से पर्दा कब उठेगा यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग भी जांच में जुटा है। आखिरकार इतनी बेरहमी से किसने नवजातों को डिब्बे में पैक किया है यह भी बहुत सवाल है। फिलहाल इसको लेकर सवाल बहुत ज्यादा है लेकिन जवाब मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी मैं अमित वर्मा, आज एक शर्मनाक घटना पाटन जिले के सिद्धपुर तहसील से जो तावड़िया गांव है वहां से हमारे सामने आई है। जो एक नाला है और नाले के अंदर 13 नवजात शिशु का एक डिब्बे में पैक करे हुए हमें यहां मिले हैं और यहां का जो प्रशासन की टीम है यहां पे पहुंच चुकी है, पर कोई आला अधिकारी अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा और जो एफएसएल की टीम भी यहां पे अभी कार्यवाही कर रही है और आरोग्य के जो अधिकारी है यहाँ के जो तहसील रेखा में नायक, हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो हमसे बात करने के लिए मीडिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं। अभी आगे की क्या कार्यवाही हो रही है वो हम आपको आगे बताएंगे। कैमरामैन सरफान मकवा जी के साथ अमित वर्मा, न्यूज ऑल इंडिया। तो साथ की बात पे आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को देखने के लिए आप भूलिएगा मत साथ की बात को रोजाना देखने के लिए।